एक बार नारद जी ने अपने सभी परिचित कृष्ण भक्तों के पास जाकर कहा, श्री कृष्ण को तुम्हारे पैर धुले हुए पानी की जरूरत है, जिसके पीने से उनके मस्तिष्क की पीड़ा शांत हो जाएगी। आप अपने पैरों को धोकर जल दे दें। सभी ने कहा कि हे ऋषिराज, हम यह कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हम नरक के भागी होंगे। निराश हो नारद ने गोपियों को ही अपनी समस्या बताई। गोपियों ने तुरंत अपने पैरों को पानी से धोया और उस जल को कलश में भरकर नारद को देते हुए कहा, ऋषिराज, क्या यह पर्याप्त होगा? विस्मित हो नारद जी गोपियों से बोले, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कृष्ण यह पानी पिया तो तुम सबको नरक में स्थान मिलेगा? गोपियों ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर हमारे किशन कन्हैया का सिर दर्द इस जल से दूर होता है तो हमें नरक में जाने में भी बहुत खुशी होगी। नारद जी गोपियों को कृष्ण के प्रति बिना किसी शर्त और बिना किसी स्वार्थ के लगाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। द्वारका में जाकर जल को कृष्ण के आगे रखा और बोले, हे प्रभु, मैं जान गया गोपियों का आपके हृदय में सबसे ऊपर स्थान क्यों है, आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। जय श्री कृष्ण।